माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। कभी किसी से नहीं लड़ूंगा और किसी से नहीं डरूंगा। झूठ कभी भी नहीं कहूंगा, सदा सत्य की जय बोलूंगा। आजा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की बुनी दे दो, चरखा खूब चलाऊंगा। गांव में जाकर वहीं रहूंगा, काम देश का सदा करूंगा। सबसे हंस हंस बात करूंगा, क्रोध किसी पर नहीं करूंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। हम आज देख पा रहे हैं कि गांधी जी की कितनी महत्ता, कितनी प्रासंगिकता आज न कि भारत भर में, पूरे विश्व भर में है। क्योंकि गांधी जी अपने समय में जब भारत आए थे तो उन्होंने प्रायः इतने अधीर होते हैं हम कि अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के आकलन के बिना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और कुछ करने लग जाते हैं। और जब सफलता हाथ नहीं लगती तो व्यवस्था को दोष देने लगते हैं। यही परंपरा मित्रों अभी हमारे बीच पनप रही है, या कई बार हम नारा लगाने में अपनी ऊर्जा को भी नष्ट करने लग जाते हैं। फिर अपना लक्ष्य, जो कि क्षुद्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आतंकवाद या और भी कई नकारात्मक से हथियारों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, समर्थन करते हैं, यह हमारे जीवन की, जीवन शैली की नकारात्मकता, सोच का ही एक परिणाम होता है। गांधी जी ने कई काम किए मित्रों। राष्ट्रीय आंदोलन उस समय जब यह साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, अपनी बिल्कुल शैशवावस्था में ही था। कांग्रेस जनता की आवाज उठाती थी लेकिन समस्या के प्रति पैठ बना नहीं पाई थी। आंदोलन सतही था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं गोपाल कृष्ण गोखले ने क्रांति को नया आयाम दिया और एक नए स्तर पर पहुंचाए थे। परंतु अभी भी एक जरूरत थी उस आंदोलन को पूर्ण जन समर्थन की। यह जन जन की आवाज ही अंत में हमारे गांधी जी ने जनता के दुख दर्द को समझकर, जानकर भारत की यात्रा, जो कि चंपारण में उन्हें नीले अंग्रेजों का अत्याचार दृष्टिगत हुआ, जनता की उस बेवसी के दर्शन हुए, उन्होंने सत्य एवं अहिंसा का प्रथम प्रयोग चंपारण में ही किया। अंग्रेज कलेक्टर के आदेश की चुनौती से जनता का मनोबल और बढ़ गया। इसके पूर्व एक घोड़े को अपनी ओर आते देख सैकड़ों किसान अपने घरों में छिप जाते थे। उनमें दमन एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति जागृत हुई। पहली बार उन्होंने जो यात्रा से अनुभव संचित किया उसे बनारस के सम्मेलन में अभिव्यक्ति दी और सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि क्रांति लंबे चौड़े व्याख्यान से नहीं आती, यह ठोस काम से, बिना बोले कर्म करने से आती है।